महा गणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आपसे चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय पुराना विषय क्या कि सूर्य अगर विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में होंगे तो कहाँ पर कैसा फल देंगे, यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, पहले भाव से बारहवें भाव तक अगर सूर्य जगह जगह अपने भाव में जाएंगे तो किस राशि में कैसा फल देंगे, इसकी चर्चा करते हुए हम मकर राशि तक चर्चा कर चुके हैं। अब हम कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। तो मित्रों मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जाते जाते आप सब्सक्राइब करके जाएं। तो कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि के प्रथम भाव में अगर सूर्य आ गए फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में, तो लग्न में ये शनि की राशि है तो शनि की राशि कुंभ राशि होने के कारण सूर्य यहाँ कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य और शनि का तो आप जानते हैं पिता पुत्र का संबंध अच्छा नहीं है। जातक के शरीर में कोई न कोई बीमारी तंग करती ही रहेगी। लग्न में बैठे हैं सूर्य और शनि की राशि है कुंभ राशि, तो शरीर संबंधी समस्या तो आएंगी। जातक का व्यक्तित्व तो निगेटिव रहेगा, निगेटिव पर्सनैलिटी रहेगी, मतलब रोग बना रहेंगे, कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहेगी, शरीर ढुलमुल रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, निगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी नहीं है। तो सूर्य जो है सेवेंथ में सूर्य की अपनी राशि है तो सिंह, इसके कारण सूर्य अपने घर का तो खराब फल नहीं देंगे, इस कारण जातक का वैवाहिक जीवन तो ठीक से बीतेगा, पार्टनर से और डेली बेजर से भी अच्छा संबंध रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, सभी से संबंध ठीक रहेंगे। तो सूर्य लग्न में बैठकर लग्न को तो थोड़ा खराब कर रहे हैं, शनि की राशि है यानी जातक का शरीर से पीड़ा, शरीर में आलस, शरीर में सुस्ती, काम में मन नहीं लगना, ये सब रहेगा, पर्सनैलिटी निगेटिव रहेगी। लेकिन परिवार भाव में तो सूर्य की अपनी राशि है तो अपनी राशि में अपने घर को देख रहे हैं तो वहाँ तो घर का बिगाड़ नहीं करेंगे तो वहाँ तो अच्छा फल देंगे। तो परिवार के साथ वैवाहिक जीवन में और परिवार के साथ प्लस सहयोगी जो आपके व्यापार के सहयोगी हैं उनके साथ भी अच्छा सहयोग रहेगा। तो कुंभ राशि में पहले भाव में तो सूर्य ने ठीक ही फल दिया, अच्छा ही है। अब द्वितीय भाव में चलते हैं तो द्वितीय भाव के सूर्य, यहाँ पर भी सूर्य अच्छे, यहाँ पर अच्छे फल नहीं देंगे। सेकंड हाउस से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति डामाडोल, कमजोर, अस्थिर रहेगी। जातक को परिवार से कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा, परिवार का कोई व्यक्ति सुख नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों? धन नहीं है। धन होता है तभी परिवार के लोग भी सहयोग करते हैं, तो परिवार के लोगों से असहयोग मिलेगा। जातक की वाणी थोड़ी कठोर हो जाएगी, क्यों? द्वितीय भाव में सूर्य आ गए, वाणी में कठोरता आएगी, कर्कशता आएगी और क्रूर, मतलब बहुत अखड़ किस्म की वाणी हो जाएगी। जातक को परिवार से कोई सहयोग नहीं मिलेगा और एट्थ हाउस से जीवन पथ पर उनको अनेक रोड़े और बाधाएं आएंगी, बाधाओं को जातक काबू नहीं पा सकता, बहुत मुश्किल है, काबू पाना मुश्किल होगा। अतः जातक क्या है, मानसिक रूप से असंतुष्ट रहेगा। जातक के जीवन में इतनी बाधाएं रोड़े आ जाएंगे उन्नति के पथ पर कि जातक दुखी हो जाएगा और दुखी होकर के फिर वो मानसिक परेशानी में, मानसिक तनाव में जिएगा, गंभीर रूप से मानसिक तनाव हो जाएगा। जातक इस कारण से उचित निर्णय भी नहीं ले पाएगा। जातक व्यर्थ में कठिन परिश्रम तो करेगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। तो सेकंड हाउस में धन की कमी से परिवार में प्रेम नहीं, और अष्टम में दृष्टि जा रही है तो अष्टम के सारे निगेटिव परिणाम मिलेंगे, यानी अष्टम के निगेटिव परिणाम क्या हैं, जिंदगी में तरक्की के रास्ते में बाधाएं आएंगी।
और नुकसान भी हो सकता है, धन का नुकसान भी हो सकता है। तो अब मैं तृतीय भाव पर चलता हूँ कि थर्ड हाउस में यहाँ पर भी अगर यहाँ पर सूर्य उसके परिणाम नहीं देंगे, यहाँ भी जातक के छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा, अनावश्यक रूप से कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा पर उस कठिन परिश्रम का लाभ कोई नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा, छोटी छोटी यात्रा करनी पड़ेगी, यात्राएं भी हानिकारक होंगी, धन की हानि होगी। जातक के पिता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पिता का आदर सम्मान नहीं करेगा और पिता से भी सहयोग नहीं मिलेगा, पिता से सहयोग नहीं मिलेगा, पिता कोई बिजनेस है तो उसमें बिजनेस में भी पिता का कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो जातक धार्मिक नहीं होगा और धार्मिक आयोजनों में कोई भी जातक उसमें हिस्सा नहीं लेगा। जातक को विदेशी यात्राएं तो करनी पड़ेगी और विदेशी यात्राओं में भी अड़चनें आएंगी, अड़चन आकर के धनी का धन का लाभ हानि होगी, धन का लाभ नहीं होगा। फोर्थ हाउस में जब आ गए सूर्य तो जातक के माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जातक को भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ के बजाय हानि मिलेगी, वाहन योग नहीं मिलेगा, कितनी कोशिश कर ले वाहन नहीं मिलेगा और वाहन बेचेगा तो उसमें नुकसान होगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो जातक को सुख के साधन जितने भी होते हैं उनको जुटाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सुख साधन नहीं प्राप्त कर पाएगा, इस कारण जातक असंतुष्ट रहेगा, मानसिक वेदना मिलेगी, मानसिक पीड़ा मिलेगी, मानसिक असंतुष्टि मिलेगी, मानसिक तनाव मिलेगा। तो इतने प्रयत्न करने के बाद भी जातक कुछ सफलता नहीं पा रहा है तो जातक को भाई फोर्थ हाउस से और दृष्टि जा रही है सूर्य की टेंथ हाउस में, तो टेंथ हाउस में भी नौकरी में तरक्की नहीं मिलेगी, नौकरी में हानि, व्यापार है तो उसमें हानि, कोई अच्छा लाभ नहीं है, पैसे का नुकसान है, नौकरी में कहीं स्थायित्व तो नहीं आएगा, जातक को स्टेबिलिटी नहीं आएगी, नौकरियां बदलता रहेगा कभी इधर कभी उधर। तो जातक को सूर्य भगवान चतुर्भाव में बैठ करके कोई लाभ नहीं दे रहे भाई। अब देखिए पंचम के सूर्य आ गए, पंचम के सूर्य क्या करेंगे, यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे। जातक को पुत्र संतान प्राप्त का योग है, जातक को उदर विकार हो सकते हैं, जातक को अचानक से धन की हानि भी हो सकती है, जातक की याददाश्त कमजोर रहेगी और इच्छा शक्ति भी कमजोर रहेगी, जातक को प्रेम संबंध में असफलता ही मिलेगी, जातक को मानसिक परेशानी बनी रहेगी, मानसिक असंतुष्टि, मानसिक तनाव मिलेगा, जिस कारण जातक हमेशा निगेटिव ही सोचेगा। अब 11th हाउस पर दृष्टि जा रही है तो 11th हाउस पर दृष्टि जाने से जातक को लाभ नहीं प्राप्त होगा, लाभ के बजाय हानि मिलेगी, बड़े भाई बहनों से कोई सहयोग भी नहीं मिलेगा। तो पंचम हाउस में भी शनि सूर्य महाराज अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो अब हम कुंभ राशि के लिए 6th भाव में चलते हैं कि छठे भाव में अगर सूर्य बैठे हों तो वहाँ पर कैसा फल देंगे। छठे भाव में ऋण का, रोग का, बीमारी का भाव है, बैंक से लोन लिया होगा, किसी को पैसा उधार दिया होगा, तो छठे भाव के सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे, ऋण से रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी, बैंक का ऋण नहीं चुका पाएंगे और कहीं से पैसा उधार दिया तो वापस नहीं आएगा, तो छठे भाव के सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहे। कहीं दुर्घटना हुई तो चोट चपेट लगेगी, सीरियस चोट लगेगी, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, हानि मिलेगी, कोर्ट केस हार जाएंगे। तो भाई जातक के 12th भाव में सूर्य की दृष्टि आने से खर्चे बहुत होंगे, धन का हानि होगी, धन की हानि होगी, यानी विदेशी हानिकारक यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और सभी में धन की हानि होगी, लाभ बिल्कुल नहीं होगा, बीमारी नहीं जाएगी और धन की हानि होगी। छठे भाव से और 12th भाव की दृष्टि से सूर्य देव कुंभ राशि में अच्छा नहीं कर रहे। 7th भाव में चलते हैं हम, 7th भाव में जब सूर्य आ गए तो यहाँ पर सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में होंगे,
तो सिंह राशि तो उनकी अच्छी उच्च की राशि है, जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा, पति पत्नी के बीच अच्छा संबंध रहेगा, पार्टनर से अच्छा संबंध रहेगा, डेली वेजर से अच्छा सहयोग मिलेगा, तो पर्सनैलिटी बोल्ड होगी, क्योंकि पर्सनैलिटी पे यानी प्रथम भाव पर दृष्टि जा रही है, तो पर्सनैलिटी बोल्ड होगी, जातक निडर होगा, निर्भीक होगा, साहसी होगा, तो और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी समस्या रह सकती है, वो थोड़ी बहुत बीमारी कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, सुंदर शरीर, कटर अच्छा, निरोगी शरीर, थोड़ा बहुत बीमारी हल्की फुल्की रह सकती है, कोई कोई बात नहीं। अब हम अष्टम भाव में चलते हैं, तो अष्टम भाव के सूर्य, यहाँ पर सूर्य कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं, जीवन में उन्नति के पथ पर चलते हुए बहुत से रोड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी, और जातक उन बाधाओं को हटा नहीं सकेगा, बाधाओं का सामना नहीं कर सकेगा, जातक इन सब बाधाओं पर विजय पाने के लिए असमर्थ होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति अस्थिर होगी, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, जब पैसा नहीं है तो बाधाओं पर विजय कैसे प्राप्त करेगा, तो इसका मतलब हुआ कि परिवार के लोग भी उसका साथ नहीं देंगे, जब पैसा नहीं है तो परिवार के लोग भी साथ नहीं देंगे, जातक को कोई सहयोग नहीं मिलेगा, थोड़ी वाणी भी कठोर हो जाएगी, कटु हो जाएगी, और वाणी कठोर होने से और नुकसान ही होगा। अब नाइन्थ हाउस में अगर सूर्य बैठे हों तो नाइन्थ हाउस में पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, सिंह राशि सेवेंथ में होने से वैवाहिक जीवन में भी समस्या आएंगी, पार्टनर से समस्या आएगी, डेली बेस से समस्या आएगी, क्यों नाइन्थ में सूर्य नीच का काम, नीच का फल दे रहे हैं, और उनकी राशि सप्तम में है तो सप्तम के भाव के भी नीच के फल मिलेंगे, व्यक्ति धार्मिक नहीं रहेगा, धार्मिक आयोजन में भाग नहीं लेगा, तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, कोई सहयोग नहीं मिलेगा, जातक को बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन कोई लाभ नहीं मिलेगा, परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, विदेशी यात्राएं हो सकती हैं जो कि बहुत हानिकारक रहेंगी, पैसे का खर्चा ज़्यादा होगा। दसवें भाव में अगर सूर्य आ जाए तो कार्य क्षेत्र में निरंतर तरह तरह की बाधाएं आती रहेंगी, जातक को अपने रोजी रोटी के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, रोज जॉब चेंज करेगा, जॉब और जॉब में दिक्कत आएगी, तो इस वजह से क्या होगा, मानसिक अशांति रहेगी। सेवेंथ का लॉर्ड टेंथ हाउस में है, अतः जातक अपना व्यवसाय पार्टनरशिप में कर सकता है, पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा तो डेली बिजनेस का भी सहयोग मिलेगा, समस्या थोड़ी आ सकती है, वैसे व्यर्थ का कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में स्थायित्व तो नहीं आ पाएगा, बिजनेस बदलता रहेगा, नौकरी बदलता रहेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता को सहयोग नहीं, माता से सहयोग भी नहीं मिलेगा, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ नहीं मिलेगा, हानि मिलेगी या बहुत विलम्ब से काम बन सकता है, तो जातक को लंग संबंधी हार्ट संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, व्याधियां तंग कर सकती हैं, तो अब जातक का सुख साधनों के लिए बड़ा प्रयत्न करेगा पर सुख साधनों को नहीं पा सकेगा, परिवार को सुख नहीं दे पाएगा, इसलिए मानसिक अशांति भी रहेगी। ग्यारहवें भाव में सूर्य आ गए तो यहाँ पर सूर्य कभी भी अच्छे फल नहीं देंगे, धन का लाभ नहीं होगा, आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, धन का अभाव के कारण मानसिक अशांति बनी रहेगी, शादी के बाद थोड़ा तरक्की हो सकती है, शादी के बाद थोड़ा लाभ मिल सकता है, स्थिति में थोड़ा सुधार आ सकता है। फिफ्थ से जातक के पुत्र संतान होने का योग है, लेकिन संतान को समस्याएं रहेंगी, संतान को लाभ नहीं मिलेगा, पुत्र संतान तो होगी पर संतान से लाभ नहीं मिलेगा, संतान को लाभ नहीं मिलेगा, परीक्षाओं में शिक्षा एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, उधर विकार परेशान करेंगे, प्रेम प्रसन्न होंगे तो प्रेम प्रसंग में भी असफलता ही मिलेगी, क्योंकि ग्यारहवें भाव से पंचम भाव पर दृष्टि जा रही है, याददाश्त कमजोर रहेगी और इच्छा शक्ति भी कमजोर रहेगी, जातक मानसिक रूप से असंतुष्ट रहेगा। तो कुंभ राशि वालों, सूर्य भगवान आपका अच्छा फल नहीं दे रहे, बारहवें भाव में सूर्य आ गए तो यहाँ पर तो कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं, या तो खर्चों की इतनी अधिकता आएगी कि खर्चों का इंतजाम करने के लिए धन का जुगाड़ नहीं कर सकता जातक, परेशान रहेगा,
धन की हानि ज्यादा होगी, व्यर्थ के खर्चे बढ़े रहेंगे। विदेश यात्रा होगी तो विदेश में व्यवसाय में समस्या ही आएगी। तो सूर्य की राशि होने से सेवेंथ में वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, डेली बेस से समस्या आएगी, पार्टनर से समस्या आएगी, सहयोग नहीं आएगा, वैवाहिक जीवन में स्थायित्व तो नहीं आएगा, मानसिक शांति बनी रहेगी। और सिक्स पर दृष्टि होने से रोग रण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान करेंगे, हानिकारक दुर्घटना हो सकती हैं, कोर्ट कचहरी में केस में असफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो या तो सफलता मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो बहुत विलम्ब से मिलेगी। तो भाई कुंभ राशि वालों, तो ये अच्छा नहीं रहा आपके साथ। अब मित्रों मैं यहाँ विराम लूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद जाओ। धन्यवाद, नमस्कार।